स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक वॉल के सहारे खड़ी है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो बॉटम है लैदर का उसको खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अवे फ्रॉम द वॉल के। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग वेन द फुट ऑफ द लैदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसने बोला है कि उसकी हाइट कितनी तेजी से डिक्रीज होगी अगर वो उस लैदर के फुट को खींच के 4 मीटर दूर ले आते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो ये आपके पास वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, और सपोज करो लैदर आपके पास पहले इस तरीके से है। यहाँ पे इसकी लेंथ है 5 मीटर, ये हो गया ए बी सी। ठीक है जी, इसको आपने लेट कर दिया, ये लेंथ हो गई एक्स और ये लेंथ हो गई आपके पास वाई। ठीक है जी, अब ये इसको खींच रहा है इस तरफ किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब मान लो उसको खींच के ले आता है यहाँ तक पॉइंट पी तक, तो अब ये लेदर इस तरीके से बन जाएगी, ये पॉइंट मान लो क्यू, तो इसको खींच के यहाँ तक ले आता है। ठीक है ना, अब ये इसको यहाँ से कितने दूर तक खींच के ले आता है, 4 मीटर तक, मतलब x की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो इसने बोला है कि कितनी तेजी से इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपको ये लेंथ कितनी है इसकी, ए बी एक्स है, यही तो इंक्रीज हो रही है जब वो इसको खींच रहा है, तो इसका मतलब जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है यह आपको रेट ऑफ चेंज इन एक्स दे रखा है ना, तो इसमें आपका डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, इसकी हाइट डिक्रीज करने के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब वाई में चेंज पूछ रहा है वो, तो आपसे डी वाई बाई डी टी इसने पूछा है। ठीक है जी, अब देखो, अब इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी में, राइट ट्राइंगल ए बी सी में वॉल है वो 90 डिग्री होगी, एंड राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी की जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, बी सी की वैल्यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये तो आपकी इक्वेशन आ गई 1। अब इसने बोला कि वो इसको इंक्रीज करके 4 मीटर तक ले जा रहा है, मतलब एट एक्स की वैल्यू 4 पे आपको वाई देखना है कि वाई कितना बचेगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, यहाँ पे एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से वाई इक्वल टू आ गया 3/25 माइनस का 9 का रूट हो गया 3 मीटर, तो y आ गया 3 मीटर। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है इसमें y का, x और y में रिलेशन सिर्फ अकेला यही है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन 1, तो x स्क्वायर का 2x, x का dx by dt, यहाँ पे y स्क्वायर का 2y, y का dy by dt इज इक्वल टू 25 का 0, यहाँ से 2 कॉमन आके उधर 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका x, देखो x की वैल्यू आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे आ गया 4, dx एक्स बाई डी टी की वैल्यू पता है कितनी 2, प्लस का y की वैल्यू पता है हमें कितनी है 3, इंटू में dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी हाइट जो है लेदर की इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, माइनस मतलब डिक्रीज, तो आप लिखोगे कि हाइट ऑफ द लेदर इज डिक्रीजिंग एट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अगर डिक्रीजिंग वर्ड लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस हटाने पे ही आपने डिक्रीजिंग लगाया। ठीक है जी, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है।